नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। रोहित शर्मा की तूफानी पारी, इंग्लैंड को किया चारों खाने चित का पूरा हाईलाइट वीडियो आप भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल का टिकट पक्का किया और इसी जीत के साथ रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2022 का हिसाब चुकता किया। T20 वर्ल्ड कप 2024 में आखिरकार रोहित शर्मा की मेहनत रंग लाई है। दोस्तों, भारतीय टीम 10 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में पहुंची है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल महामुकाबला इंडिया बनाम इंग्लैंड के बीच गयाना में खेला गया, जिसमें एक बार फिर से टॉस टीम इंडिया हार गई और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। मैदान पर बैटिंग करने उतरे रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पारी की शुरुआत की। रोहित शर्मा ने रिस टॉपली के पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर चौका जड़ दिया। कोहली का बल्ला फिर से खामोश रहा। रिस टॉपली ने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर कोहली को आउट बोल्ड कर दिया। इस तरह से मात्र 19 रन के स्कोर पर टीम इंडिया का पहला विकेट गिरा। इस तरह रोहित शर्मा की क्रीज पर चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे। कोहली के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे ऋषभ पंत मात्र 4 रन बनाकर छठे ओवर की दूसरी गेंद पर सैम करन ने जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट हो गए। इस प्रकार टीम इंडिया का 40 के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। रोहित और सूर्या की जोड़ी ने मिलकर 50 गेंदों में 73 रनों की साझेदारी निभाई। भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन कप्तान रोहित शर्मा ने 39 गेंदों में 57 रनों की विस्फोटक पारी खेली, वहीं 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। वहीं सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 36 गेंदों में 47 रनों का योगदान दिया, 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। रोहित और सूर्या के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हार्दिक ने 13 गेंदों में 23 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के भी लगाए। वहीं रविंद्र जडेजा ने 9 गेंदों में 2 चौके लगाते हुए 17 रनों का योगदान दिया। इस प्रकार से टीम इंडिया ने 20 ओवर में 171 रन बनाए, 7 विकेट खोकर। वहीं बात करें इंग्लैंड की गेंदबाजी की तो सबसे ज़्यादा विकेट क्रिस जॉर्डन ने 3 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वहीं रिस टॉपली, जोफ्रा आर्चर, सैम करन और आदिल रशीद को 1-1 विकेट मिला। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 16.4 ओवर में ही ऑल आउट हो गई और मात्र 103 रन ही बना पाई। इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा रन हैरी ब्रुक्स ने 25 और जॉस बटलर ने 23 रन बनाए। वहीं भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड की कमर तोड़ के रख दी। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट चटकाए। वहीं जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट चटकाए। इस तरह से इंडिया टीम ने यह मुकाबला 68 रनों से जीत लिया और फाइनल में अपनी जगह पक्की।